प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सेवाएं प्रदान कर रहे पीजीटी अब प्रवक्ता के पद नाम से जाने जाएंगे। इसके बारे में घोषणा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ द्वारा पालमपुर में आयोजित किए गए कार्यक्रम के दौरान दी। प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ ने कृषि विश्वविद्यालय के सभागार में गुणात्मक शिक्षा पर कार्यक्रम रखा था, जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में वाइस प्रिंसिपल का पद सृजित किए जाने के साथ इस वर्ग के प्रमोशन कोटे को 50 से बढ़ाकर 60% करने की घोषणा भी की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने खराब परीक्षा परिणामों के कारण 38 अध्यापकों की इंक्रीमेंट रोकने के फैसले को निरस्त करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर क्षेत्र में सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, इसलिए शिक्षकों को भी अपने प्रयास निरंतर जारी रखने चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश में काफी विस्तार हुआ है। कुछ स्कूल शिक्षा के लिए तो कुछ राजनीतिक जरूरतों को देखते हुए खोले गए हैं। ऐसे स्कूलों में बोर्ड तो क्या लगाने थे, लेकिन भवन भी नहीं मिल सके हैं और ना ही शिक्षक। इस संदर्भ में उन्होंने चुनावों से पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा थोड़े ही समय में 21 कॉलेजों की घोषणा का जिक्र करते हुए कांग्रेस सरकार के दृष्टिकोण पर सवाल उठाए। लेकिन सचमुच में कुछ बातें हमेशा, कई बार कुछ चीजें ऐसी होती है जीवन में जब काम महत्वपूर्ण होता है, और कई बार जीवन में ऐसे भी दौर होते हैं जहां काम से ज्यादा स्वाभिमान और सम्मान का विषय आता है। और यहां मैं पता कर रहा था कि ये पीजीटी कहने से क्यों परेशानी है, और मैं क्योंकि वित्त विभाग में मेरे पास है तो इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं ये भी पूछता हूं कि इसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या होंगी। शिक्षा मंत्री जी आपका समर्थन करने को उतर आए और यहां सभी बोल रहे हैं कि ये इसमें कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस नहीं है, तो हमने कहा था नाम क्यों बदला जा रहा है भाई, नाम बदलने की बात क्यों आ रही है। तो फिर बात यही आई, मैं आपके भाव को समझ पा रहा हूं कि काम से ज्यादा सम्मान और स्वाभिमान का विषय है, और कई बार काम तो जिंदगी भर होते रहते हैं, कई बार ऐसे भी दौर आते हैं जब सम्मान और स्वाभिमान के लिए भी खड़ा होना पड़ता है। और उस दृष्टि से जो आपकी ये जो नॉमिनेचर की बात है, पीजीटी शुड बी चेंज्ड एज लेक्चरर ऑन द एनोरिटी ऑफ अदर नॉर्थन इंडिया, नॉर्थ पूरे नॉर्थ में है क्या, ये पूरे उत्तर भारत में, तो मैं आपकी इस मांग को स्वीकार करता हूं भाई। और आज के बाद आप सबको इस रूप में, और हम यही कहा जाए तो हम तो लेक्चरर ही बोलते, लेकिन जब वो भाव जब लगता था कि नहीं तनख्वाह तो हमको नहीं, स्कूल में और जो कागज आया हुआ चिट्ठी आई है वो तो पीजीटी की है, वो पीड़ा देता है, कई बार उस कागज को देखने का मन नहीं करता, उसको फाड़ने का मन करता होता है। तो इसलिए आपके सम्मान को बहाल करने की दृष्टि से जो आवश्यक लगता था वो हमने आज किया है। आप सम्मान के साथ इस काम को करिए, जो काम आपको दिया गया है, और उस काम को आप करिए, और उसके साथ साथ में मुझे लगता है कि बहुत जो बड़ी जिम्मेवारी आपके ऊपर है उस जिम्मेवारी का आप निर्वहन कर रहे हैं, ये बहुत आवश्यक है। एक और बात कही गई कि अभी आपका जो है सीरियल नंबर 2 में जो दी गई है उसमें कहा कि जो प्रमोशन कोटा में 50-50 है अभी तक, जबकि जो +2, +1, +1, +2 की स्ट्रेंथ जो है काफी अच्छे से काम। वहीं शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिक्षा में गुणवत्ता की कमी का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी अनेक उच्च पदों में सेवाएं दे रहे हैं।
उन्होंने सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों द्वारा अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाने का जिक्र करते हुए इस संदर्भ में बड़सर क्षेत्र के एक स्कूल का उदाहरण दिया, जहां पर अब 90% से अधिक शिक्षक अपने बच्चों को अपने ही स्कूल में पढ़ा रहे हैं। कहीं पर सिफारिश की बात भी हो गई तो वो 10-15% हो सकती है, अधिकांश जो है वो मेरिट के आधार पर चुनकर के जो है सिलेक्शन प्रोसेस से आते हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूलों में जो है वो शायद यहां कुछ अधिकारी भी बैठे होंगे, ज्यादातर तो उनकी जो पत्नियां घर में जो है वो काम नहीं होता है, तो तरफ प्राइवेट स्कूलों में उनकी भर्ती हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी अट्रैक्शन उनकी तरफ है और आप लोगों की भी अट्रैक्शन जो है प्राइवेट स्कूलों की तरफ है, आप लोग भी अपने स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ाते। सर के हमारे स्कूल के अध्यापकों ने तय किया कि हम बच्चे अपने स्कूलों में पढ़ाएंगे, 91% टीचर्स ने अपने स्कूलों में बच्चे पढ़ाना शुरू किया, तो उन स्कूलों की जो है वो हमारी एनरोलमेंट बढ़ गई। स्कूलों की एनरोलमेंट बढ़े, जैसे केशव सिंह जी कह रहे थे प्री प्राइमरी प्रारंभ की है, उससे जो है वो 35-40 हजार बच्चे जो है नए एनरोल हुए हैं, वो एक अलग जो है प्रयास हम कर रहे हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त भी जो बाकी प्रयास हैं तो आप लोगों को भी करने पड़ेंगे। वहीं सम्मेलन के दौरान सांसद शांता कुमार ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और उनकी टीम द्वारा किए जा रहे कामों की सराहना की। प्रदेश प्रवक्ता संघ द्वारा पालमपुर में आयोजित किए गए कार्यक्रम में भाग लेते हुए सांसद शांता कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और उनके साथी प्रदेश में बेहतरीन काम कर रहे हैं। इस अवसर पर शांता कुमार ने स्कूल के बच्चों में मोबाइल के बढ़ते शौक और युवा वर्ग में नशे के बढ़ते प्रचलन पर चिंता जताते हुए शिक्षक वर्ग से इस ओर ध्यान देने की बात कही। शांता कुमार ने कहा कि शिक्षा में योग और नैतिक शिक्षा को अवश्य विषय के रूप में जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संस्कार देने की परंपरा कम होती जा रही है, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है और इसमें अभिभावकों के साथ साथ अध्यापकों को भी पूरा योगदान देना चाहिए।